हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाय चारो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप कौन सी परेशानी से बाहर आने वाले हैं और कब, और उस सिचुएशन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से। तो पहले ग्रुप के लिए है ये येलो हार्ट, दूसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये गोल्डन बटरफ्लाई। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप वन, अगर आप लोग ने ये येलो हार्ट चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप कौन सी परेशानी से बाहर आने वाले हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे स्ट्रैटेजी, डोर टू वैल्यू, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ऑल राइट, तो आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये करियर या पैसों से संबंधित कोई परेशानी है जिससे आप लोग आजकल जूझ रहे हैं। मुझे अलग अलग मैसेजेस मिल रहे हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली ऐसे हैं जिनके खिलाफ उनके काम की जगह पर बहुत भयंकर तरीके से साजिश की गई है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, और उस वजह से आपको काफ़ी नुकसान हुआ भी है। मुझे यहाँ पर ये तो नहीं दिख रहा है कि आपको नौकरी से निकाला गया, हालांकि कुछ लोगों के लिए वो चीज़ भी हो सकती है, बट डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी परेशानियाँ ज़रूर खड़ी की गई हैं। हो सकता है आप पे किसी तरीके के इल्ज़ाम लगाए गए हों, या एकदम से आपके सारे जो कॉलीग्स हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा कटने लगे हों, या आपके बारे में झूठ झूठ अफवाहें फैला रहे हों, उस तरीके का कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपको किसी ने किसी बात पर कुछ पैसे देने का वादा किया था, आपने मे बी किसी को कोई लोन दिया हो और उस इंसान ने आपके पैसे लौटाने से साफ मना कर दिया, या हो सकता है साफ साफ ये भी बोल दिया हो कि मतलब झुठला दिया हो इस पूरी बात को कि उन्होंने कभी आपसे पैसे लिए थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं पैसों से रिलेटेड। हो सकता है कि जो मैचेस आ रहे हों वो आपके घर के फाइनेंशियल हालातों को देख करके मना कर दे रहे हों, या उनके लिए पैसे ज़्यादा मायने रख रहे हों, या फिर वो आज के ज़माने में होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा दहेज मांग रहे हों, या इस तरीके की ख़राब चीज़ें, या फिर आप कैसे हैं उससे ज़्यादा इस बात पर उनका ध्यान जा रहा हो कि आपका अपना घर है या नहीं, या आपके घर में कितने पैसे एनुअली आते हैं या नहीं, और उस वजह से शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि शादी ऑलमोस्ट तय होकर के टूट जा रही है। एंड कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना, लेकिन या तो आप उसके लिए जितने फंड्स चाहिए हैं, जितना कैपिटल चाहिए, आप उतना जुटा नहीं पा रहे हैं, या फिर वो जो भी काम है, जो भी प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा ही शुरू होते ही वो ठप पड़ जाता है, किसी ना किसी तरीके का ब्लॉकेज उसमें आ रहा है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपस में ही आपका अपने भाई या बहन से या किसी रिश्तेदार से या कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कोर्ट कचहरी के केस में आप फंसे हुए हैं। ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि ये जो भी मुसीबत है वो कब खत्म होगी, इस परेशानी से आप कब बाहर आएंगे। तो उसके लिए जो कार्ड निकला आपके लिए वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। इससे दो बातें हमें पता लग रही हैं, टाइमिंग तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अच्छी बात यहाँ पर जो ये कार्ड हमें बता रहा है वो ये है कि ये जो भी परेशानी वाला दौर है जिससे अभी आप गुजर रहे हैं, जब आप इससे बाहर आएंगे तब तक हालात इतने सुधर चुके होंगे कि आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। एंड रहा टाइमिंग का सवाल, अब ये जनरल रीडिंग है, ऑल राइट, सभी को पता है बात। आप में से कुछ लोगों के लिए ये दिक्कत एक महीने के अंदर अंदर ही खत्म होने वाली है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए एक साल तक का टाइम लग सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये साल भर का टाइम आई थिंक मोस्टली जो थोड़ा लंबे वाले मैटर्स हैं, जैसे बिजनेस खड़ा करना वाला मैटर हो गया या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाला मैटर हो गया, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ होती है, तो प्रॉबेबली वो जो अपर लिमिट है टाइम की वो उस तरीके के मामलों के लिए है। ऑल राइट, अब टैरो कार्ड से जान लेते हैं कि ये जो भी परेशानी जिससे आप गुजर रहे हैं उसके लिए क्या गाइडेंस है, मतलब क्या ऐसा कुछ है जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्या उसकी एनर्जीज चल रही हैं।
Spirit, what guidance do you have for group one for this problem of theirs? Nine of Swords. What guidance do you have for group one for this problem? The Lovers. What guidance do you have for group one for this problem? Knight of Wands. What guidance do you have for group one for this problem? Three of Cups. All right. सबसे पहली गाइडेंस जो यहाँ पे निकल के आई है आपके लिए वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इस मामले में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्पिरिट या आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, उन्होंने इस सिचुएशन के ऊपर नज़र बना के रखी हुई है, जैसे कि आप इस कार्ड से देख सकते हैं. हो सकता है कभी कभी आपको ये फीलिंग आए, एंड ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि ऐसा लग सकता है कभी, जैसे कोई है नहीं, कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है, कोई किसी तरीके की आपको मदद आते हुए नहीं नज़र आ रही है, बट ऐसा है नहीं. बिहाइंड द सीन्स एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, और जैसे कि एस ऑफ कॉइन्स यहां पर दर्शा रहा है, आप बाहर आ भी जाएंगे इस परेशानी से. लवर्स एंड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी से इस वक्त ये गाइडेंस है. एक बात का आपको बहुत ख्याल रखना है कि ये जो भी प्रॉब्लम है, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं, वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने करीबी लोगों से डिस्कस करें. बहुत सारे लोगों से आपको इस बारे में बात करने का सजेशन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है. इसीलिए सिर्फ जो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके सबसे करीबी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह हो गए, उन सबसे तो आप बात करें, ठीक है. लेकिन पता चला चार लोग एक जगह पर बैठे हैं, सब अपने अपने दुखड़े रो रहे हैं, तो आप भी शामिल हो गए फ्लो फ्लो में, आपने भी अपना सारा सब कुछ बताना चालू कर दिया. ये गलती मत करिएगा, बिकॉज थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी लाइक शेडी वाइब्स दे रही है. हर कोई जो आपका इस वक्त शुभचिंतक बन रहा है, वो आपका शुभचिंतक है नहीं. इसलिए बहुत सोच समझ के अपनी परेशानियां डिस्कस करिए. अपने केस के डिटेल्स हो गए, या फिर ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ हो रही है, आप उस बारे में किस कॉलीग से बिचिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब बहुत सोच समझ के आपको करने की ज़रूरत है. नाइट ऑफ वॉन्ट्स स्पिरिट आपको यहाँ पर हिम्मत दे रहे हैं, जैसे कि ये भी यू नो लाइक जैसे कहते हैं टैकलिंग द बुल बाय इट्स हॉर्न्स. जो परेशानी है उसका आपको डट कर सामना करना है, उससे घबराइए बिल्कुल मत. ये चीज़ उन्होंने आपको यहाँ पे भी बताई थी, अब वो आपको यहाँ पर भी बता रहे हैं. ये जो कुछ भी चल रहा है, उस ये परेशानियाँ जो आपके लिए खड़ी की गई हैं, उनका मकसद हो सकता है आपको स्लो डाउन करने का. आपके जीवन में यू नो मे बी आप बहुत अच्छी स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे थे, एंड ये जो कोई भी लोग हैं जिन्होंने आपके लिए दिक्कतें खड़ी की हैं, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही हो, आपको उनको गलत साबित करना है. इसीलिए आपको जैसे ये परेशानी आने से पहले जितने जोश, जितने जज्बे के साथ आप काम किया करते थे, आप अपनी ज़िंदगी जीते थे, जितना उत्साह आपके अंदर हुआ करता था, वो चीज़ को आपको अभी भी मेंटेन रखना है. लवर्स इन थ्री ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि स्पेशली ऐसे मोमेंट्स पर जब आपको बहुत ख़राब लगे, जब आपको लगे कि आपसे बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं, स्ट्रेस हो रहा है या टेंशन हो रहा है, तो जितना पॉसिबल हो अपने करीबी लोगों के साथ वक्त बिताना वो करिए. अकेले मत रहिएगा कि पता चला आपने आपको एक कमरे में बंद कर लिया और बस सोचे जा रहे हैं इस चीज़ के बारे में, चुपचाप रो रहे हैं, कमरे में अंधेरा करके बैठे हुए हैं. ये सब चीज़ें मत करिए. जितना ज़्यादा आप अपने लव्ड वंस की कंपनी में रहेंगे, जितना उनसे बातें करेंगे, और जितना आप ऐसे एक्शंस लेंगे कि आपको अफेक्ट नहीं हो रहा है, आप इन सब चीज़ों का असर अपनी ज़िंदगी पर नहीं पड़ने देंगे, अपनी ज़िंदगी को रुकने नहीं देंगे इन सब चीज़ों की वजह से, उतना ही आप इम्प्रूवमेंट्स नोटिस करेंगे. बाकी तो ऑफकोर्स जैसे कि यहाँ पर हमें स्पिरिट ने क्लियर कर ही दिया है कि आप डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से बाहर इन एनी केस आ ही जाएंगे. मीनवाइल इन कुछ बातों का ख्याल आप रख सकते हैं. जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैज. ज़रूरी नहीं है ये आपके ज़ोडियाक ही हो सिर्फ़.
स्पिरिट की तरफ से भी आपका मैसेज इतना प्यारा है, हैव फेथ, योर प्रेयर्स आर मैनिफेस्टिंग, रिमेन पॉजिटिव एंड फॉलो योर गाइडेंस। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको बता रहे ग्रुप वन कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, रिमेन पॉजिटिव, जो भी चीज़ की आपने ख्वाहिश की है, चाहे वो इस परेशानी से संबंधित हो या और कोई चीज़, वो सारी प्रेयर्स मैनिफेस्ट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। मीनवाइल आपके लिए जो गाइडेंस निकली है, आप बस उसको फॉलो करिए और भरोसा रखिए स्पिरिट के ऊपर। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सुपर थैंक्स का ऑप्शन इनेबल हो गया है मेरे चैनल पर, अगर कोई भी वीडियो आपकी मदद करता है तो आप सुपर थैंक्स के जरिए भी मुझे अपना थैंक्स भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या फिर मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। सारे डिटेल्स पिंड कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप टू, अगर आप लोग ने येलो स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप किस परेशानी से बाहर आने वाले हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे द थिंकिंग वुमन, एनवी, पावर और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ऑल राइट, यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जिस चीज की निकली है वो है ईविल आई की, बुरी नजर की। सो ग्रुप टू, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको किसी की बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लग गई है एंड उस वजह से आपकी ज़िंदगी के ऊपर ख़राब असर पड़ रहा है। हो सकता है आपके काम में दिक्कतें आ रही हों, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हों। एंड जैसे कि थिंकिंग वुमन एंड एनवी का लाइन अप यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ये नज़र मोस्ट प्रॉबली किसी फीमेल ने ही आपको लगाई है। ये कोई ऐसी महिला है जिनको अपनी लाइफ से ज़्यादा हर किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे ज़्यादा मतलब रहता है, और बहुत इंटेंस लेवल की जलन और कुढ़न ये इंसान महसूस करती हैं आपके लिए। पावर विथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी मुझे कुछ अलग अलग मैसेजेस दे रहा है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। आप में से कुछ लोगों के लिए एक ऐसी महिला है जिसके साथ आप काम करते हैं, शायद आप इनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे काम की जगह पर, आपके बॉसेस इनसे ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, या फिर ये आपसे खतरा महसूस कर रही थी, इनको ऐसा लग रहा होगा कि आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि अब सारी जिम्मेदारी धीरे धीरे इनसे लेकर के आपको ना दे दी जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि आपका पहले प्रमोशन हो जाए, इनका मामला अटका रह जाए, ये तमाम चीज़ें। ये महिला हो सकता है काम की जगह पर आपसे सीनियर हो, लेकिन वो चाहती ना हो कि आप कभी उनकी लेवल को रीच कर सकें, इसीलिए जहां उन्होंने देखा कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है और उनकी पोजीशन तक ऑलमोस्ट आप आ चुके हैं या वो पोटेंशियल उनको आप में नज़र आ रहा था, तो उन्होंने ऐसा आपको कोसा या ऐसी ईविल आया आपके ऊपर लगाई कि उसके बाद से हो सकता है आपको करियर में दिक्कतें आने लगना स्टार्ट हो चुकी हूँ। बचे हुए लोगों के लिए ये आपकी कोई करीबी हो सकती हैं, कोई फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, पड़ोसी, दोस्त के घर वाले, ऐसे कोई इंसान बेसिकली जो काफ़ी अपडेटेड यहाँ पर दिख रहे हैं आपकी लाइफ के साथ। बिकॉज पावर विथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी मुझे बता रहा है कि परेशानी शुरू होने से पहले पैसों के मामले में एंड ओवरऑल भी आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, स्टेबल चल रहा था, सॉलिड चल रहा था, शायद आपको आपकी तरक्की हुई थी, पैसे घर में ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए थे, हर जगह आपकी वाहवाही हो रही थी, कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे इनका ध्यान आपकी ओर आया था और इनको ऐसा लग रहा था कि अरे ग्रुप टू का तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कैसे ऐसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इन्हीं के साथ क्यों हो रहा है, हमारे बच्चे के साथ क्यों नहीं होता या मेरे साथ क्यों नहीं होता, वो वाली एनर्जी। एंड क्योंकि ये बहुत ही हिडन एनर्जी है तो ये हिडन एनिमी वाली वाइब मुझे यहाँ पर मिल रही है इस महिला से। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि एकाएक आपको पता हो कि अरे हाँ यही होंगी, नहीं, ये हिडन एनिमी है, मतलब कि ये मुंह पर आपके बहुत अच्छा बनती होंगी, बहुत स्वीट बनती होंगी, इसीलिए शायद आप गेस भी ना कर पाओ कि ये आपके बारे में ऐसा सोच सकती हैं, ये आपके ऊपर नज़र लगा सकती हैं, बट हुआ वही है यहाँ पर।
ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि आप इस परेशानी से कब बाहर आएंगे. ऑफ कोर्स उसके पहले गोइंग फॉरवर्ड आप कुछ बातों का ख्याल रख सकते हैं. आप ईविल आई ज्वेलरी पहन सकते हैं, काला धागा पहन सकते हैं, अपनी नज़र उतरवा सकते हैं. घर पे मम्मी लोगों को अक्सर काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स पता होती हैं इन सब के बारे में, तो उससे, या फिर मंदिर में जाके उतरवाना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं. जो टाइमिंग निकल के आई है वो है एस ऑफ वंस, एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव बिकॉज एस ऑफ वंस एक बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है. इसीलिए आप में से कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये जो असर है इस चीज़ का, ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बचे हुए लोगों के लिए एक महीने तक का समय लग सकता है इस एनर्जी के ख़त्म होने में और आपको इस परेशानी से टोटली बाहर आने में. ऑल राइट, आप टैरो कार्ड से जान लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस परेशानी के लिए. स्पिरिट, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर ग्रुप टू फॉर दैट प्रॉब्लम? व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर ग्रुप टू फॉर दैट प्रॉब्लम? नाइन ऑफ कप्स, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर ग्रुप टू फॉर दैट प्रॉब्लम? एट ऑफ वंड्स, what guidance do you have for group 2 for their problem? Page of wands, what guidance do you have for group 2 for their problem? Wheel of fortune, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये जो भी परेशानी है, अगेन वो गाइडेंस में भी आपको बता रहे हैं विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि ये ज़्यादा लंबे समय तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए उस बात की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. ये एक ब्रीफ पीरियड के लिए परेशानी थी और बहुत जल्द आप उससे बाहर आने वाले हैं. उनका इरादा भले ही रहा हो आपको हमेशा के लिए इस चीज़ में ट्रैप करके रखना, बट दैट्स नॉट पॉसिबल. वो ऐसा नहीं कर सकती है बिकॉज आपकी अपनी किस्मत इतनी बुलंद है कि किसी कोई भी चीज़, अगर मतलब कोई ऐसी एक्सटर्नल परेशानी आ रही तो आपको छू के निकल जाएगी. कुछ खास आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगी यहाँ पे ये लेडी. फिलहाल एक बहुत महत्वपूर्ण गाइडेंस जो यहाँ पे निकल के आई है कम्युनिकेशन और नाइन ऑफ कप्स के साथ, वो ये है कि आपके जो ड्रीम्स हैं ग्रुप टू, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, उनको प्लीज़ डिस्कस मत किया करिए दूसरे लोगों के साथ. किसी को मत बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो कोई छोटे से छोटा ड्रीम क्यों ना हो या बड़े से बड़ा ड्रीम क्यों ना हो. दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि एक तो हो गया मेरा ये गोल है, दूसरी चीज़ होती है कि मैं उस गोल को अचीव करने के लिए मेरा प्लान क्या है. वो प्लान भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है. कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका सपना है किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का. किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन से काउंसलर के पास जा रहे हैं उस चीज़ के लिए, कौन सी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, कौन से टेस्ट्स ले रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने का आपने सोचा है, कौन से बैंक से आप लोन उठाने का सोच रहे हैं. मत बताइए. जब एडमिशन मिल जाए, वीज़ा सब कुछ, जब सब कुछ बिल्कुल सेट हो, तब भले ही आप बता दो, बट उससे पहले नहीं. ये बस एक एग्जाम्पल था. मीनवाइल एट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्पिरिट आपको इनकरेज कर रहे हैं कि एक तो थोड़ा असेस करने की कोशिश करिए कि ये इंसान कौन है. आपको मेरे चैनल पे कई वीडियोस मिल जाएंगे हिडन एनिमीज एंड ऑल के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और बेहतर तरीके से कि ये कौन है. फिलहाल थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. एट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहे ग्रुप टू कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ना थोड़ी वो वाली प्रॉब्लम है, आप मूफट हैं. मतलब आप रियलाइज़ नहीं करते हैं लेकिन बातों बातों में आप काफ़ी डिटेल्स रख देते हैं दूसरे लोगों के सामने, काफ़ी अंदर की बातें आप बता ले जाते हैं. तो थोड़ा, अब ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से बिल्कुल चुप हो जाएं या कम बोलें, लेकिन हाँ थोड़ा सोच के बोलें, स्पेशली घर से बाहर वाले लोगों के सामने, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, इन सब के अलावा जिस किसी से भी आप बात कर रहे हैं, सोच के बोलिए. ज़्यादा तेज तेज मत बोलिए, धीरे धीरे बोलेंगे तो पहले ख्याल आएगा फिर वो बात जुबान पर आएगी, बट उस चीज़ को प्रैक्टिस करने की आपको थोड़ी ज़रूरत है. बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है कि आधा मामला तो वहीं पर बिगड़ जाता है, बिकॉज आप बोल देते हैं एंड देन आपको रियलाइज होता है, ओ शिट, अरे यार इनको क्यों बता दिया मैंने, ये तो मम्मी ने मना किया था किसी को बताना मत, या उस तरीके का कुछ. तो इन कुछ बातों का आप ख्याल रखिए. जो कार्ड्स, जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एंड एरीज लियो सैज, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपके ज़ोडियाक ही हों.
स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टिंग, जो कहता है टू मैनिफेस्ट रैपिडली थिंक ऑफ योर डिजायर व्हाइल यू चांट हम सिंग और प्ले म्यूजिक. आप में से जिन लोगों के लिए ये करियर वाली सिचुएशन थी, मतलब आपकी वर्क प्लेस पे कोई ऐसी लेडी है जो आपको आपकी ग्रोथ नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, एट ऑफ वॉन्स विथ पेज ऑफ वॉन्स आपको यहाँ पर सजेशन दे रहा है कि पहली चीज तो उस लेडी से जितना कम हो सके बात करिए, बिल्कुल मतलब अगर जरूरत की बात करनी है बस उतनी बात करिए, बाकी नहीं. और जितना कम इंटरेक्शन आप उसके साथ रख सकें उतना बेहतर होगा. ऑलराइट, इस कार्ड से स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? जब आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं, सुबह जब सोकर उठ रहे हैं, तो थोड़ी देर बिस्तर पर आंख बंद करके कानों में म्यूजिक लगाइए, जो भी आपको पसंद, जरूरी नहीं है मेडिटेटिव म्यूजिक ही हो, एंड आंखें बंद करके विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए कि आपकी वो ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, वो जो खुशी है उसको एक्सपीरियंस करिए, उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करिए. तो इससे क्या होगा, म्यूजिक सुनते सुनते अगर आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्पीड अप हो सकता है. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं. मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स एक्टिवेट हो गया है. कोई भी वीडियो अगर आपकी मदद करता है तो आप सुपर थैंक्स के जरिए अपना अप्रिसिएशन शो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए. वो सारे डिटेल्स पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हाई ग्रुप थ्री, अगर आप लोग ने ये गोल्डन बटरफ्लाई चूज की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप कौन सी परेशानी से बाहर आने वाले हैं. तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं वॉकिंग अवे, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन एंड शैडो. ऑलराइट, सो डिफरेंट मैसेजेस मिल रहे हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स. आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको कि सडनली आपके पार्टनर छोड़ करके गए हैं किसी और के लिए, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है. शैडो विथ एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज मुझे बता रहा है कि ये एक किस्म से आपके लिए धोखे जैसा ही था, धोखा ही था, बिकॉज आपको नहीं पता था कि आपके पीठ के पीछे आपके पार्टनर जो हैं वो और भी लोगों से बातें करते हैं. ये चीज आपके लिए एक सदमे या एक झटके से कम नहीं थी, और जो कुछ भी हुआ है बहुत अचानक से हुआ है. शायद आपने सोचा नहीं था कि आपके पीठ पीछे ये सब खिचड़ी पकाई जा रही है किसी और के साथ. एंड रिजॉयस इन सेलिब्रेशन की मुझे एनर्जी बता रही है कि आप में से कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली जिस इंसान के साथ आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है वो इंसान शायद आप ही के कोई दोस्त हो, मतलब आपकी भी जान पहचान थी उस इंसान के साथ, और ये दो लोग मिल करके आपको धोखा देंगे ये आपने नहीं सोचा था. इसीलिए शायद उस वक्त आप बहुत ही डार्क फेज से गुजर रहे हैं, आपको बिल्कुल किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको यकीन नहीं हो रहा है कि जो लोग एक तरफ आपका दोस्त और एक तरफ आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वही दो लोग मिल करके आपके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं. दूसरा प्रॉब्लम जो यहाँ पर नजर आ रही है वो ये है कि कोई ऐसा इंसान था जिसने आपको प्रॉमिस किया था कि वो आपके साथ मिल करके कोई काम करेंगे, ये कोई नया बिजनेस खड़ा करना या उस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं. एंड देन या तो बीच में जुधार में वो इंसान आपको छोड़ करके चले गए, या फिर बिजनेस जैसे ही शुरू हुआ तो एकदम से उन्होंने बैकआउट कर दिया. एंड आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, बिकॉज इस चीज़ को आगे कैसे लेकर के जाना है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आपको किसी तरीके की कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है. ऐसा भी मुमकिन है यहाँ पर कि किसी ने आपको वादा किया हो कुछ पैसों की लेन देन का कि आप इस काम में इन्वेस्ट करो, तो पिरामिड स्कीम टाइप का कुछ कि तुम थोड़ा तुम लगाओ, किसी और को बोलो वो भी लगाएं, फिर जब बढ़ जाएगा तो सब में आपस में बटेगी वो चीज़, एंड देन सबके पैसे ले करके वो इंसान रफू चक्कर हो गया, और अब मतलब दूर दूर तक किसी को पता नहीं है कि वो इंसान कहाँ है, कहाँ गया, वो सारी चीज़ें. एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज विथ थ्री ऑफ कप्स मुझे ये भी बता रहा है कि आप में से कुछ लोग इस वक्त स्टूडेंट्स हैं एंड आप लाइफ के एक फेज को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं. सो मोस्ट प्रोबेबली आपकी स्कूलिंग खत्म हो गई है, और या मे बी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन खत्म हो गया है, एंड अब आगे क्या करना है उस चीज़ को लेकर के आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कौन सी स्ट्रीम चूज करें, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें या मास्टर्स में एनरोल कर ले, वो तमाम कन्फ्यूजन यहाँ पर चल रहे हैं. शैडो कार्ड विथ रिजॉयस इन सेलिब्रेशन मुझे बता रहा है कि आपके आसपास अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा इस वक्त
इनकरेजिंग लोग नहीं हैं, हर किसी से आप ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं, हर किसी से आप अपने मन की बात डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, आप बहुत उदास रहने लगे हैं, गुमसुम रहने लगे हैं, ये चीज़ तो बहुत लोगों ने डिस्कस की है, लेकिन किसी ने अपनी तरफ से बढ़ करके क्यों आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं उस बात को समझने की शायद कोशिश ना की हो, इसलिए आप बहुत अकेला भी महसूस कर रहे हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आप इस मुश्किल वक्त से कब बाहर आएंगे। तो उसके लिए जो कार्ड हमें मिले वो हैं 4 of Cups। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को इस पीरियड से बाहर निकलने में लगभग 4 महीने का समय लग सकता है। ऑलराइट, इस एनर्जी को ओवरकम करने में, वापस से नॉर्मल फील करने में, खुश फील करने में 4 महीने का समय लग सकता है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए 4 हफ्ते यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीना भी हो सकता है। ऑलराइट, अब टैरो कार्ड से जान लेते हैं कि आपके लिए इस मुश्किल घड़ी के लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर Group 3 फॉर देयर प्रॉब्लम? द हर्मिट, what guidance do you have for group 3 for their problem? The high priestess, the tower, what guidance do you have for group 3 for their problem? 9 of Pentacles. All right, pehli cheez to with the hermit, and because aapne se maximum logo ke liye, honestly I think ye ब्रेकअप वाली ये चीज़ है, रिजेक्शन का कार्ड भी यहाँ पे निकल के आया है विद थर्ड पार्टी। फिलहाल सबसे पहली गाइडेंस ये है कि ये जो कोई भी इंसान है जिसने आपको धोखा दिया, ये इंसान प्लस आपका वो वाला दोस्त जो कुछ भी, उनसे आपको बात नहीं करनी है, उनके पीछे पीछे आपको नहीं जाना है, उनका दिल वापस से जीतने का आपको बिल्कुल भी कोई एक्शन उनकी तरफ बेसिकली नहीं लेना है। बहुत स्ट्रिक्टली हर्मिट की एनर्जी इन एक्शन की एनर्जी होती है, इसीलिए आपको भूले से भी उनको कॉल करना, उनको मैसेज करना, उनके हालचाल लेना, उनको बर्थडे विश करना, ये सब नहीं करना है। उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, विद हाई प्रीस्टेस एंड टावर, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा इस चीज़ में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, क्योंकि स्पेशली गिवन द फैक्ट कि इस वक्त आपके पास बात करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं हैं, आपके दिमाग में तमाम तरीके की उल्टी सीधे चीज़ें आ सकती हैं कि मे बी आप में कोई कमी हो, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं बोलना चाहिए था, मे बी इसीलिए वो दोनों ने अपनी अलग खिचड़ी पका के वो दोनों चले गए। नो, हाई प्रीस्टेस आपको यहाँ पर बता रहा है कि आप बहुत बढ़िया हैं जैसे भी आप हैं, आपके अंदर किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने गलती की है उसी की गलती है, तो आपको ज़बरदस्ती अपने ऊपर ब्लेम डालने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों में दिमाग मत लगाइए कि उन्होंने जो किया क्यों किया, वो उनका व्यक्तित्व दर्शाता है। 9 of Pentacles यहाँ पर आपको सजेशन दे रहा है कि जब एक बार आप इस ब्रेकअप से रिकवर कर भी जाएं, उसके बाद तुरंत आपको डेटिंग नहीं करनी है। 9 of Pentacles सिंगलहुड की एनर्जी है, तो स्पिरिट आपको एनकरेज कर रहे हैं कि कुछ वक्त आप सिर्फ अपने साथ गुजारे, थोड़े वक्त तक सिंगल रहें। जब आपको 100% यकीन हो जाए कि हाँ अब मैं पास्ट से रिकवर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, एंड अब मैं दोबारा किसी नए इंसान को मौका देने लायक स्टेट में हूँ, तभी आप दोबारा डेटिंग में वापस से कूदिए। नहीं तो कुछ समय तक अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 of Coins की एनर्जी ये भी इंडिकेट कर रही है कि इस एनर्जी से अपना ध्यान हटाने के लिए आप अपनी ख्वाहिशों के ऊपर, आप अपने करियर के ऊपर, पैसों की स्थिति के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर आपको ये भी सजेशन दे रही है कि अगर ये इंसान या फिर वो दोस्त जिसके साथ इन्होंने आपको चीट किया है, दोनों में से कोई भी या एक आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेलेबल उनके लिए नहीं बनाना है, ठीक है। उन्होंने आपके साथ गलत किया है, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके अगर आप उनको हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें। अगर आपको उनसे बात नहीं करनी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनसे बात करने से आपके पास्ट के दुख दर्द ट्रिगर हो सकते हैं, तो बेशक आप उनसे बात मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आप यू नो आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आपको उनसे बात करनी ही करनी है या आपको उनको अपनी ज़िंदगी में रखना ही रखना है।
आप में से जिन लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको पैसों का प्रॉमिस किया हो या मदद का प्रॉमिस किया हो, फिर एकदम से डिच करके लास्ट मोमेंट पे चले गए हो, 9 of Pentacles विथ अ हाई प्रीस्टेस एंड हर्मिट यहाँ पर बता रहे कि आपको एक्चुअली किसी और की जरूरत है नहीं अगर आप अपना कोई खुद का काम करना चाहें तो, क्योंकि आपके अंदर खुद में ही इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपनी नॉलेज के दम पर, अपनी स्किल्स के दम पर, अपनी मेहनत से पैसे जुटा करके अपना काम खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए ये तो चलो चले गए, बट आगे भी आपको अपने ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करना है, दूसरों के ऊपर अंधा विश्वास करके सब कुछ उनके हाथ में पकड़ा देना, ये गलती फिर से मत दोहराइएगा। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। जरूरी नहीं है कि ये जोडियाक्स ही हो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है पॉजिटिव एनर्जी, जो कहता है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी। सिर्फ अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, सिर्फ अच्छी बातें सोचिए, अच्छे ख्याल अपने दिमाग में रखिए। फालतू में नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना, ऐसे लोग जो जिनके पास सिर्फ दूसरों की बुराई के अलावा कोई काम नहीं होता है, ऐसे लोगों से दोस्ती करना या फिर बहुत ज़्यादा हर वक्त सिर्फ नेगेटिव ख्याल, डर अपने दिमाग में रखना, ये सब मत करिए। जितना ज़्यादा आप अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे, उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर इस रीडिंग से या मेरी और किसी रीडिंग से आपको मदद मिलती है तो आप सुपर थैंक्स के जरिए मुझे अपना अप्रिसिएशन भेज सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन स्टार्ट हो गया है मेरे चैनल पर। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।